लोगों को समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ये भाजपा और जनता दल यू में स्थिति सामान्य नहीं है, और या नीतीश कुमार जी प्रेशर का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ और इनको चाहत होगी इसके बहाने। इससे ज्यादा बड़ा हमारे यहाँ बिहार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी हैं। जेडीयू में कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, जिसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया है। सभी की सहमति से तमाम जो नेता थे वो नेता मौजूद थे, और उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि आने वाले समय में पीएम कैंडिडेट के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावेदार तो नहीं है, लेकिन पीएम बनने के तमाम जो गुण हैं वो उनमें है, और आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एज अ पीएम कैंडिडेट उन्हें प्रोजेक्ट भी किया जा सकता है। उसको लेके जब आज हमने आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी से बात किया तो क्या कुछ कह रहे इस पूरे मसले को लेकर, ये सुन लेते हैं। सर, कल जेडीयू ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें ये कहा गया है कि नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने के तमाम मटेरियल है, भले ही वो दावेदार नहीं है लेकिन मटेरियल उनमें है। ये नीतीश कुमार जी यार जनता दल यू जो है ये एनडीए का एक प्रमुख घटक है बिहार में और पूरे एनडीए में, और एनडीए में यह जानते हुए कि एनडीए के प्रधानमंत्री की वैकेंसी फुल है, उसके नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए पीएम मटेरियल की चर्चा करना या पीएम के सब गुण रखना और पीएम के दावेदारी नहीं पेश करना, ये सब लोगों को समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ये भाजपा और जनता दल यू में स्थिति सामान्य नहीं है, और या नीतीश कुमार जी प्रेशर का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ और इनको चाहत होगी इसके बहाने, नहीं तो इसे बात में कहीं पर दम नहीं है। इसके पूर्व भी आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी ने जब पीएम की चर्चा किए थे तो उनको दो सीट आया था, तो नीतीश कुमार अब प्राइम मिनिस्टर की मटेरियल होकर के या नीतीश कुमार जितना बड़े प्राइम मिनिस्टर के मटेरियल हैं उससे ज़्यादा बड़ा हमारे यहाँ बिहार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी हैं। वो पूरा यूथ के आइकॉन है, आज सबसे बड़ी हमारी पार्टी है, इसलिए यह चर्चा करना। लेकिन हम लोग यूपीए से जुड़े हुए हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, ये हम लोग कहीं चर्चा नहीं करते। तो नीतीश कुमार या जनता दल यू की ये चर्चा, ये रेजोल्यूशन, ये प्रस्ताव कहीं ना कहीं मिसलीड करता है एनडीए को। आपको भी लगता है कि तेजस्वी यादव में भी प्रधानमंत्री बनने के गुण मटेरियल? बिल्कुल, गुण तो है ही, अब इतने बड़े दीवाने उनके फैन हैं लोग और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, और हम लोग तो सत्ता में ही वर्चुअली आए थे, ये चोर दरवाजे से उन्होंने कब्जा किया, तो वो उतने बड़े जब उनके फॉलोअर हैं तो उनमें पीएम मटेरियल का गुण क्यों नहीं है। लेकिन ये बात हम लोगों ने चर्चा कहीं नहीं किया, ये पीएम के दावेदार हैं, पीएम मटेरियल हैं, पीएम के गुण हैं, लेकिन पीएम के गुण तो हैं ही, लेकिन ये बात का प्रस्ताव हम लोग कहीं नहीं ले सकते हैं और न कहीं चर्चा किया है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी के भी मानते हैं कि राहुल गांधी जी नेता है हमारे प्रधानमंत्री। अगर ऐसी स्थिति बनती है सर तो क्या आरजेडी साथ देगी नीतीश कुमार का, अगर पीएम की जगह पीएम कैंडिडेट उन्हें बनाया जाता है? ये अभी आपकी काल्पनिक प्रश्न है, जब नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग हो जाएं तब इस तरह की बात करते कि पीएम मटेरियल हैं या पीएम बनने की बात करते या कुछ और इस पर चर्चा करते, नेता बनने की बात करते, तब उस पर हम लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। अभी वो एनडीए के घटक हैं और एनडीए के सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, फिर उस पर इस तरह की चर्चा करना कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता। तो आपने सुना सीधे तौर पर रामबली सिंह का कहना था कि ऐसे तो अगर कहा जाए तो हमारे तेजस्वी यादव भी पीएम मटेरियल हैं, क्योंकि यूथ आइकन है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग है। तो अगर ये बात कहना कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है तो हम भी ये कह सकते हैं ना कि तेजस्वी यादव पीएम मटेरियल है, लेकिन हमने तो कहीं ये दावेदारी पेश नहीं की है। और अगर उनकी पार्टी में इस तरीके के रेजोल्यूशन पेश होते हैं तो ये उनका खुद का मामला है, और अगर उनको पीएम बनना भी है तो सबसे पहले उन्हें एनडीए गठबंधन से अलग होना पड़ेगा और खुद को आगे प्रोजेक्ट करना होगा। देखने वाली बात है कि जहां आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल नहीं है, वहीं आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कह दिया कि नीतीश कुमार से ज्यादा काबिलियत पीएम बनने की तेजस्वी यादव में है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहेगा, अभी के लिए तय नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।